लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खंबे से टकराई स्कूल बस, 12 बच्चे जख्मी, ड्राइवर की हालत गंभीर, लालू यादव की हालत बिगड़ी, झारखंड पुलिस उड़ा रही है कानून की धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से सटे नोएडा में आज एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। सुबह सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस नोएडा के सेक्टर 16 से बस के शीशे टूट गए हैं। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई है। उन्हें और घायल बच्चों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के वक्त बस में 30 छात्र बैठे हुए थे। बस रजनीगंधा चौक के अंडरपास से गुजर रही थी, तभी एक पिलर से टकरा गई। पटना रांची के RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की सेहत अचानक से खराब हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव ने बेचैनी, चक्कर आने और सीने में दर्द होने की शिकायत की है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद को रिम्स से बाहर रेफर किया जा सकता है। रांची के झारखंड पुलिस अपनी पराकाष्ठा की हद पार कर चुकी है। आंदोलन कर रही रसोईया संयोजिकाओं पर आधी रात कपड़ा उतार कर लाठी चटकाने की बात हो, या फिर वाटर फैनन से पानी की बौछार करने की, या फिर उन्हें गिरफ्तार करने पर कैंप जेल में रखने का मामला, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।